विषयान् राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चन्यान् समतिभिवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वा एतान् पुनरपि शनैः आत्मनिस्थापयित्वा सर्वान् विशेषान् विगतपुनर्दन पात्वशोनासुरीय अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के अलग शांति प्रकरण पर विचार करते हुए एक एक करके वादियों के सिद्धांत में क्या कमी है वो दिखाया है। पहले बोल के आया था अपनी प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत है न एक तक उत्तम सत्यम जब तक किंचित न जाए तो ये हमारे मुख्य सिद्धांत है वेदांत का जात्मा। अपने इसको प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत दिए थे अलग की मशाल के दृष्टांत दिए थे। अब जो है जो पूर्व सांख्यवादी ने क्या है वो सत्कार्यवादी है, कार्य कारण में विद्यमान रखना मानते हैं। तो यदि सत से सत के उत्पत्ति होना भी संभव नहीं है, सत से असत की उत्पत्ति होना भी संभव नहीं है, फिर असत से असत की उत्पत्ति होना संभव नहीं, असत से सत की उत्पत्ति होना भी संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है यदि वो पहले से विद्यमान है चाहे मानो तो अब जो है फिर दोबारा कैसे उत्पत्ति होगा, तो उत्पत्ति की आवश्यकता क्या है। और आपने पहले प्रतिज्ञा किया कि ये जन्म रहित है प्रधान, फिर आप क्या बोलते हैं प्रधान से ही प्रधान ही जो है अहंकार अहम तत्व महत्ता आदि जन्म लेते हैं परिणत होता है, ये आपका प्रथम व्याघात हो गया। और यदि वो जन्म लेता है अथवा इस प्रकार परिणत होता है तो वो नित्य कैसे हो सकता है, ये तो आपका सिद्धांत है। और क्या बोलते हैं कारणात् यदि अनन्यतम अत कार्यम अजम यदि कार्य कारण अभिन्न, ये आप मानते हो ठीक है। यदि कारण से कार्य अभिन्न है, कारण से कार्य अभिन्न है, तो कारण में यदि अजप्त धर्म है तो कार्य में भी अजप्त धर्म होना चाहिए। और यदि कार्यो भी कहे वो आप अजब तो कहो ये कैसे हो सकता है, कार्य तो अजय नहीं होता, कार्य तो जो होता है। अच्छा यदि नहीं नहीं कारण से कार्य अभिन्न होगा, कार्य से कारण अभिन्न हो गया ये तो गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि आपने क्या किया कि कारण का धर्म अजय है तो यहाँ पे इसके साथ अभिन्न कि जत अजत तो यहाँ पे कैसे मतलब जत तो बोल रहे इधर अजत तो नहीं हुआ, फिर विरोध हो गया। फिर अच्छा ठीक है भाई कारण के साथ कार्य का भिन्न हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाए जय तो ये अनित्य है, तो ये इसके साथ मिल गया तब क्या हो जाएगा ये भी अनित्य हो जाएगा, इसको अनित्य नहीं बोल सकते। इस प्रकार से यहाँ पे जो है कि दोनों पक्ष में दोष दिखाने के कारणात् यदि अनन्यतम अत कार्यम अजम ये कैसे बोल सकते हैं, यदि जायमानात् कारणात् भी कारण कथम धुम आज उत्पन्न हो रहा है जो कार्य जायमानात् कार्य और जिस जो कार्य उत्पन्न हो रहा है उस कार्य जो कैसे जो है नित्य कैसे हो सकता है उसका कारण, क्योंकि कारण क्या कार्य के साथ अभिन्न हो गया, कार्य के साथ अभिन्न हो रहा है कार्य उत्पन्न हो रहा है ये नित्य कैसे हो सकता था। इस प्रकार से सांख्यवादी पक्ष का दोष देने के बाद मकसद आपने बिल्कुल सही कहा, इसका सिद्धांत तो सही नहीं हमारे सिद्धांत सही है, हाँ उनके सिद्धांत बिल्कुल सही, हम आपको अच्छा सिद्धांत बताते हैं। क्या बोलते हैं ये सृष्टि होते हैं ना जीव के कर्म के ऊपर निर्भर करके होता है, पूर्व मीमांसा दर्शन बोलते हैं कि जीव के कर्म के सापेक्ष में सृष्टि होता है। तो एक कल्पन रहते हैं हम लोग ब्रह्मसूत्र में एक वैषम्य नहीं घृण अधिकरण आता है कि ईश्वर के विषम विषम सृष्टि करके ईश्वर ने क्या किया अपने में विषम वैषम्य नहीं घृणता दोष अपने में अपना लिया। तो उत्तर देते हैं वैद्य भी नहीं नहीं वो तो जीव की कर्म का अनुसार किया, ए संभाल के बोलो कर्म संघात होगा तो कर्म होगा और कर्म से संघाति कौन पहले है, कार्य कारण संघात है तो आपका धर्म धर्माचरण होगा और धर्म धर्म होगा तो कार्य कारण संघात होगा। ये तो बस अनन्नाष्ट्र दोष के तरह ग्रसित है सूत्र में न कर्म विभाग आदि के चेतना अनादित्वाद उत्तर क्या दिए थे अनादि होने के कारण और उपपत्ति च उपलभ्यते च इस प्रकार श्रुति वाक्य की उपलब्धि होती है। क्यों शांत कुश्ति क्या होता है अन जीवेन आत्मन अनुप्रवेश पहले कल्प में सृष्टि को देख करके बनाए थे और फिर सूर्य चंद्रमा सवधाता यथा पूर्व कल्प धाता पूर्व कल्प में जैसे सूर्य चंद्र था ऐसे सबको बनाया। इससे पूर्व परंतु ये बताओ हमारे कार्य का अर्घ है वहाँ पे
बोलते ये तो ठीक है, परंतु ये बताओ कि कौन पहले है, संघात पहले है कि धर्माधर्म पहले है। धर्माधर्म के आश्रय करके संघात है, असंघात के आश्रय कर धर्माधर्म है। इसलिए अनन्याश्रय दोष का मतलब क्या होता है, पूर्व में उनसे बोलेंगे हमारे पक्ष में कर्म के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो जाता है, कर्म से जो है। और दूसरी बात क्या, यदि आप ऐसे नहीं मानोगे पूर्वादी का वेदांतिक सिद्धांत हुआ, ये हम कब बोलते हैं, अधर्म प्रक्रिया का अंतर्पत्ति होकर हम ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदि आप ऐसे नहीं मानेंगे पूर्व कर्म, तो अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश दो दोष होता है। एक बच्चा बचपन में बीमार है, उसका ऑपरेशन करने का नाक में उसमें सब खून चल रहा है, जगह अस्पताल में बचपन उसने तो उस समय कुछ भी पाप नहीं किया, कहाँ से आ गया उसको वे कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। यानी कि पूर्व के तो कुछ कर्म ऐसा था कि बचपन में कुछ भोग, ये जो है ये अकृत अभ्यगम जो आपने नहीं किया, यदि बचपन में ऐसा भोगना पड़ेगा तब क्या हो जाएगा, वो अकृत जो नहीं किया उसका भोग है। और एक व्यक्ति केदारनाथ में भगवान दर्शन करने गया, भगवान के दर्शन हुआ, पूर्ण हुआ, आदर्श में स्ट्रोक हुआ, मर गया। उसका दर्शन के तो कुछ पुण्य हुआ, पुण्य का फल मिला है उसको मन के शरीर, यानी कि कृत विप्रणाश जो आपने पुण्य किया उसका फल दिए बिना ही नाश हो गया। यदि आप इस प्रकार इस अनादि अकृत अभ्यगम कृत विप्रणाश, यदि आप ये नहीं मानोगे मन को सृष्टि पूर्व से चलता आ रहा है, कर्म को पर आधार करके अलग अलग जोनी प्राप्त होते, यदि ऐसे नहीं मानोगे तो ये दोनों दोष अलग आने वाले हैं। तो बोलते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम, इसमें अस्वीकार मानव कार्य का कार्य बोलेंगे, परंतु आपको ये पहले बताना पड़ेगा कौन पहले है, कार्यकरण संघात पहले अथवा धर्माधर्म पहले। यदि नहीं बोल पाते हो, यानी कि ये अनन्याश्रय दोष ये बाकी है, अधारो प्रक्रिया का अंतर्पाती होगा कि हम अनादि करके मान लेते हैं, वास्तविक सृष्टि होना संभव ही नहीं। अब ये नहीं समझना कि व्यासदेव ने द्वारा चार सूत्र न कर्म विभागा इति चेत न अनादित्वा, कर्म के विभाग से तो नहीं हो सकता, क्योंकि कौन पहले आया बताओ, संघात परिभाषा का लिख दो वहाँ पे, कर्म अपेक्षा से शरीर आदि विभाग हो और शरीर आदि विभाग अपेक्षा कर्म, इसलिए क्या हो गया इतर इतर आश्रय तब प्रसिद्ध थे, इतर इतर आश्रय दोष हो जाएगा, अनाश्रय दोष हो जाएगा, तब बोलते हैं हम यहाँ पे अनादित्य। मैं भी ये बोल रही हूँ मतलब कि एक सर्कल अपने बना लिया, ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, अगर उस बच्चे को कोई पूछते कहाँ से शुरू किया था तो नहीं बता पाते, बस प्रभाव रूपे ने इसको अनादि माना गया है। परंतु कारिककार बोलता है कि ये जो है इन्हें अधारो प्रक्रिया के अंतर्पाती होकर के माना है, वास्तविक सृष्टि होना संभव नहीं। जो प्राक्तन कर्म के लिए इसको भोगना पड़ा। हाँ, ये वेदांतवादी मानता है, वेदांत भी यही मानता है। वेदांत की कौन बात प्रक्रिया, मतलब जब हम अधारो प्रक्रिया का अंतपाती होकर के हम सबको संभाल मतलब सृष्टि को संभालते हैं, तब हम इसको मानते हैं पुनर्जन्मवाद, ईश्वर मानते हैं। परंतु जब आत्मा की, मैं यही बोलता कि आत्मा की सापेक्ष में मूल सिद्धांत के सापेक्ष में ईश्वर तक जो है माइक है, मायावादी के साथ ईश्वर है, ईश्वर तक माइक है, ईश्वर शब्द भी माया से ही प्रयोग होता है। इसको समझाने के लिए इसको अजातवाद चुरा है स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे आकर के कुछ है ही नहीं, जहाँ पे आकर कुछ भगवान श्री कृष्ण भी अंतिम में यही बोलते हैं, परंतु धीरे 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 ऊपर उठा करके तब जाकर समझाएंगे तब यहाँ पे काल हम लोग कारण ही। इस प्रकार यदि आप मानोगे तब क्या हो जाएगा, आप फिर कार्य और कारण जो अभिन्न ऐसा मानोगे तब क्या हो जाएगा, कारण को आप अजो और नित्य ये नहीं कह सकते, उप नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो भी आप देखना है वैषम्य निग्रहाधिकरण है, वैषम्य निग्रहाधिकरण में इसको लेकर के व्यास देव सूत्र दिया, और अभी उपपद्यते चो उपलब्धते चो, ये युक्ति संगत होते हैं और ऐसा श्रुतिवाद को भी प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान को सृष्टि से पहले क्या थे, अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्व नाम रूपे व्याकरवाणी, पूर्व कल्प में जीव कैसा कैसा कर्म किया था उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रकार के जीव के माध्यम से अपनी सृष्टि को बढ़ाऊँ, और इन छंद को श्रुति है, सूर्य चंद्रमा स्वधाता यथा पूर्व कल्प या ऋग्वेद की मंत्र है, बोलते हैं धाता विधाता पूर्व कल्प में जैसा सृष्टि था इस कल्प में भी ऐसे ही बना, यानी कि पूर्व कल्प की सृष्टि के सापेक्ष रेखा की सृष्टि करते, परंतु ध्यान रखना ये जो है हम अधारूप प्रक्रिया का अंतोत्पाती होकर के हम इसको मानते हैं, वास्तविक जो है कि पारमार्थिक सृष्टि तो होना संभव नहीं,
इसको लेकर के हमारा पिछली आप ये नहीं सोचना हमारे आचार्य में विरोध है, आचार्य में विरोध नहीं है, बोलने की स्टैंडर्ड को लेकर के बोला जाए, अधिकारी कहाँ पर पहुँची हुआ उस हिसाब से बोला जाए। तो कल हम लोग यहाँ तक कर लिए थे ना, 14 तक पूरा हो गया था, नहीं 15 12 तक पूरा हो गया, 13 का शुरू होगा, हाँ 13 का शुरू होगा। अब जो कल इसको इसको हमने पढ़ लिए थे, किंच अजस्य प्रधानवादिन मति प्रधानात् अजात् अभिन्नम कार्यम जायते महदादि इति अभ्युपगम्यते, ठीक है ना, जिस प्रधान प्रधानवादी के मत में सांख्यवादी के मत में मैं हेतु फल को लेकर के मैं पूर्व मीमांसा दर्शन में चला गया, वो 14 नंबर में होगा, 13 नंबर में शंकु का उपसंहार कर रहे हैं, 13 नंबर में शंकुवादी को जो त्रुटि है उसको उपसंहार कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि किंच और भी देखो, दस्य प्रधानवादी नमते, जिस वादी प्रधान से जगत, जिस वादी लोग प्रधान से जगत के सृष्टि मानते उसके मत में प्रधानात् अजात अभिन्नम, प्रधान प्रधान जो जन्म रहित है उससे अभिन्न रूप से कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं कौन, महत तत्व अहम तत्व आदि इति अभ्युपगम्यते, उस प्रकार माना जाता है। तस्य पक्षे तस्मिन् अर्थे दृष्टान्त वक्तव्य, आपको जो है आप अनुमान प्रमाण मानते हैं, आप प्रधान को सिद्ध करने के लिए आप अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं, प्रधान को दिखाई नहीं देता, प्रधान प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं होता, परंतु प्रधान अनुमान प्रमाण के विषय, अनुमान प्रमाण के द्वारा यदि आप कुछ समझाना चाहते हो तो आपको किसके बल पर देना पड़ेगा, दृष्टान्त के बल पर समझाना पड़ेगा, दृष्टान्त के बिना अनुमान प्रमाण और दृष्टान्त ऐसा होना चाहिए उभय गति संबंध, तब जाकर का अनुमान जो है फलीभूत हो सकता है। इसलिए बोलता है तस्य पक्षे तस्मिन् अर्थे दृष्टान्त वक्तव्य, उस सांख्यवादी के पक्ष में उस विषय में, उस विषय मतलब ये प्रथा अजो से अभिन्न होकर के कार्य उत्पन्न होता है, एक आई दृष्टान्त आपको बताना पड़ेगा। तस्मिन् अर्थे दृष्टान्त वक्तव्य तद अवस्टम्भेन, क्योंकि दृष्टान्त के माध्यम बना करके तेन अर्थ व्यवस्थापना, मतलब अनुमान के द्वारा जिस विषय का सिद्ध करना चाहते हो वो सिद्ध हो सकता है, उसकी व्यवस्था बनाई जा सकती है, दृष्टान्त के बिना अनुमान के द्वारा साध्य का सिद्ध नहीं कर सकते दृष्टान्त के बिना। इसलिए बोलते हैं किंच जस्य प्रधानवादिन, प्रधानवादी के मतलब किंच मतलब एक दोष और दे रहे हैं, पहले तो बोला था कि आपने अजो बोला फिर उसमें जो उत्पन्न दिखाए तो आपका दोष बदल में गलत दोष है, और नित्य कैसे हो सकता है, परिणामी द्रव्य कैसे नित्य हो सकता है, प्रधान परिणत होता है ना महतादि रूप में, परिणामी द्रव्य कैसे नित्य हो सकता है, कहीं भी नहीं है विषय में प्रमाण नहीं है। इसलिए किंच जस्य प्रधानवादी न मत, और भी उनके बाद में एक और दोष आएगा, प्रधान प्रधानात् अजात अभिन्नम कार्यम जायते, ठीक है ना, प्रधान जन्म रहित प्रधान से उससे अभिन्न होगा कि मतलब वही उसमें कोई कार्य उत्पन्न होता है, ये सिद्धांत। आप देखिए तीन नंबर टिप्पणी देखिए, आप बोलते हैं अजात जन्म रहित तत्व से, जन्म रहित तत्व से जन्म वाला तत्व को उत्पन्न हो सकता है, कहाँ देखा तुमने, तुम बोला हमारे पक्ष में दृष्टान्त नहीं, हमारे पक्ष में दृष्टान्त, क्या दृष्टान्त, देखो आकाश पूर्व में ये न्याय वैशेषिक दर्शन आकाश को नित्य मानते हैं, आकाश परमाणु नित्य है, बाकी तो उसका परमाणु रूप में सभी नित्य है, परंतु आकाश को तो लोग नित्य मानते हैं, नित्य द्रव्य मानते हैं। अब उस नित्य द्रव्य जन्म रहित आकाश से शब्द गुण उत्पन्न होते हैं, तो जन्म रहित से जन्म वाला उत्पत्ति हमारे पास दृष्टान्त तो है, परंतु वहां पे क्या है वो भिन्न है, वो ऐसा मानते हैं क्योंकि तो असत कार्यवादी है, नए वैशेषिक दर्शन असत कार्यवादी है, तो सत में वो पहले विद्यमान नहीं है, तो उस वहाँ से उत्पन्न होता है, भिन्न वस्तु उत्पन्न होता है, मृतिका से खरा एक भिन्न द्रव्य उत्पन्न होता है, ऐसा उनकी मान्यता है। यहाँ पे अभिन्न पद दिया हुआ है, मतलब तो आप उसी द्रव्य ही जन्म रहित ही जन्म लेता है, ये जो आपने बोला ये कथन है, पूर्ववादी बोलता है भाई हमारे पक्ष में दृष्टान्त तो है, क्या दृष्टान्त तो है, बोलते आजाद अभी वैशाषिकादि मते, वैशाषिकादि के सिद्धांत में अजा जन्म रहित से भी कौन परमाणु आकाशादि तो है ना, पर आकाश की परमाणु से क्या होता है द्रणुकादि शब्द अधिकम जायते, द्रणु का शब्द शब्द द्रणु को उत्पन्न होता है, एवं इति भव्य दृष्टान्त, हमारे पक्ष में दृष्टान्त हो जाएगा, परंतु भाई उनके सिद्धांतों को तुमने ठीक से नहीं समझा, वो जो है कार्य सत्कार्यवादी नहीं है, वो असत्कार्यवादी है, कार्य पहले विद्यमान नहीं है, उससे भिन्न वस्तु उत्पन्न होता है, नया वस्तु उत्पन्न होता है, आरंभवादी है वो, आरंभवादी है, इसलिए उसका साथ तो नहीं मिलेगा तुम्हारा। इसलिए अजाद अभी वैशाषिकादि मते परमाणु आकाश आदि तो दणुकादि शब्दादि कम जायते, शब्द दणु रूप से शब्दादि उत्पन्न होता है, एवं इति भव्य दृष्टान्त, तो हमारे पक्ष में दृष्टान्त हो जाएगा, इति आशंका, वहाँ पर इसलिए वो पद दिया टीकाकार अभिन्नम,
वो भिन्न मानते हैं, तुम अभिन्न मानते हो। मतलब जिसको तुमने जन्म रहित माना उसी का जन्म हो गया ऐसा मानते हो, वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो आकाश परमाणु को जन्म रहित, मतलब द्रणु के उत्पन्न होते, अन्य वस्तु उत्पन्न होते, नया दृश्य उत्पन्न होते। इसलिए तुम्हारे सिद्धांतों के साथ उसके सिद्धांत भिन्न है। जब ये सिद्धांत भी सही नहीं है परंतु तो बाद में पंक्ति जितना जिस दृष्टांत के बल पर तुम कहना चाहते हो वो दृष्टांत तो है, उसका घटते ही नहीं है। अच्छा, सत्यम च शंख कार्य व्यक्ति, शंखवादी के मत में कार्य क्या होता है, सत्य वस्तु होता है। वेदांति के मत में वेदांत भी सत्य कार्यवादी है, वेदांति के मत में ये हो गया आपका नहीं, वो शशु को आप दृष्टान्त रूप में नहीं दे सकते। आप बोला आप वेदांति का दृष्टान्त तो ले लेंगे, तुम भी तो कार्यकरण भाव मानते हो, तुम भी सत्य कार्यवादी हो। बोलते हम तो कार्य को जो है अच्छा सत्य मानते हैं, तुम कार्य को सत्य मानते हो। इसलिए हमें बोलते हैं सत्यम जो शंख कार्य, शंखवादी का कार्य तो सत्य है, मायावादो अपि अदृष्टान्त, इसलिए मायावाद भी आपके लिए दृष्टान्त तो नहीं बन सकता है। समझ में आया, मतलब एक न्याय वैशेषिक को भी आप दृष्टान्त के रूप में नहीं ले सकते हो और वेदांतियों को भी दृष्टान्त रूप में नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, आप कार्य को सत्य मानते हो, हम कार्य को प्रातिभाषिक मानते, व्यवहारिक मानते, पारमार्थिक तो मानते ही नहीं है। इसलिए उभयवादी सम्मत दृष्टान्त होना चाहिए। तो हम किस तुम्हारे मतों अपने सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए, प्रधान को सिद्ध करने के लिए जो अनुमान करते हो वो अनुमान के लिए आप दृष्टान्त नहीं दे सकते। तो जब प्रधान को सिद्ध करने के लिए अनुमान के बिना प्रधान सिद्ध नहीं होती, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई देता, वो मानता नहीं है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मानते तो आपके पास आया दूसरा प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण के द्वारा जब आप प्रधान को सिद्ध करना चाहते हो आपके पक्ष में दृष्टांत तो क्या होगा, दृष्टांत तो नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आजाद अपि वैशेषिक आदि मते परमाणु आकाश आदि तो धर्म को शब्दादिकम जायते, आकाश परमाणु से द्रणुक आदि शब्द आदि को उत्पन्न होता है। एक उसका वैसे है, मतलब जन्म रहित आकाश परमाणु से जन्म आला शब्द द्रणुक उत्पन्न होता है। भव्य दृष्टांत हमारे पक्ष में दृष्टांत तो बन जाएगा, यदि आशंका नहीं नहीं वो असत कार्यवादी है, आरंभवादी है। आप सत्कार्यवादी अभिन्न मानते हो, अभिन्न मानते हो, इसलिए यहाँ पे तो होना संभव नहीं। क्योंकि इसलिए छोटा शब्द बोलते हैं सत्यम च शंख कार्य, शंखवादी के सिद्धांत में कार्य सत्य माना जाता है। इसके लिए आप मायावाद को भी दृष्टांत नहीं दे सकते, मायावाद अभी दृष्टांत न, मायावाद अभी अदृष्टांत, मतलब दृष्टांत न भव, दृष्टांत नहीं हो सकता। क्योंकि अभिधेयम, क्योंकि हम कार्य को प्रतिभाषिक मानते हैं। तभी अच्छा भाई कि तस् पक्षे तस्मिन अर्थे दृष्टांत वक्तव्य, उस शंखवादी के पक्ष में उस अर्थ में, मतलब कि जन्म रहित से जन्म वाला उत्पन्न हो सकता है, इस विषय में को दृष्टांत देना चाहिए। देखो आप चार नंबर, तस्मिन अर्थे कारण अभिन्न कार्य जन्म रूपे इति अर्थ, कारण से अभिन्न होकर के जो कार्य उसके उत्पन्न होता है। कारण अभिन्न, कारण से अभिन्न कार्य जन्म रूप है, जो कार्य जन्म रूप है, कारण से अभिन्न है, कारण आपका अज है, कार्य जन्य रूप है, ये चीज का आप दृष्टांत नहीं दे सकते। तस्मिन अर्थ जो बोल करके आया उस विषय में, इसलिए बोलते तस्मिन अर्थ, मतलब उस विषय में, किस विषय में, कारण से अभिन्न होकर के कार्य का उत्पन्न होगा, इस विषय में वो दृष्टांत आप नहीं दे सकते। इस अर्थ तेन सांख्येन अवस्टम्भेन एवं तेन अर्थ व्यवस्थापना, उस मतलब अनुमान के आधार पर ही शंखवादी के द्वारा अपने प्रधान को सिद्ध किया गया है, तो उसके लिए कोई दृष्टांत तो आप नहीं दे सकते। इसलिए आप बोलते हैं तेन सांख्येन, शंखवादियों के द्वारा उस विषय को व्यवस्थित किया गया है। न च अत्र उभय संप्रतिपन्न दृष्टांत दृष्ट अस्ति इति आह, ठीक है ना। इस विषय में, इस विषय में, किस विषय में, जन्म रहित कारण से जन्म वाला कार्य अभिन्न रूप से उत्पन्न होता है। जन्म रहित कारण से, जन्म रहित कारण से जन्म वाला कार्य अभिन्न रूप से उत्पन्न होता है। आप देखो तंतु से पट उत्पन्न होता है, तंतु की उत्पत्ति होती कि नहीं, तंतु की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार सारा पृथ्वी का विकास पृथ्वी की उत्पत्तिशील वस्तु है, और फिर पृथ्वी से भी पीछे चले जाओ जल उत्पत्ति होते हैं, इस प्रकार आकाश तक आपको उत्पत्ति वाले से मन। अब इसके पीछे जब हम आते हैं, हम जिसको सब, हम सब कारणवादी है, तो जो ब्रह्म को अथवा सत को अथवा आत्मा को कारण मानते हैं वो परिणत नहीं होता, वो विवर्तित होते हैं। हमारे सिद्धांत कौन से परिणत होता तो विकारी होता, नाशमन होता, ये अभिप्राय है। इसलिए आगे बोलते हैं तद अवष्टम है न तेन अर्थ व्यवस्थापन, न तो अत्र उभय संप्रतिपन्न दृष्टांत दृष्टो, इस विषय में उभयवादी सम्मत को दृष्टांत नहीं दिखाते, दृष्टांत दृष्टो अस्ति है ना, कोई लौकिक दृष्टांत आप नहीं देख सकते। इति आह, इसी को मन में रखते हुए बोलते हैं
अब इसमें हम श्लोक श्लोक में अजाद वै जायते यस्य अजाद वै जायते यस्य दृष्टान्त तस्य नास्ति वै दृष्टान्त तस्य नास्ति वै जातात् च जायमानस्य जातात् च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते न व्यवस्था प्रसज्यते अजाद् वै जायते यस्य दृष्टान्त तस्य नास्ति वै जाता च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते अजाद वै जायते यस्य जिस वादी के मन में जन्म रहित कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है उसके पक्ष में दृष्टांत तो कुछ नहीं है दृष्टांत तो कुछ नहीं दे सकता दृष्टांत तस्य नास्ति वै दृष्टांत के बिना अनुमान के द्वारा आप शांत को सिद्ध नहीं कर सकते एक यदि वो लोग अजात से नहीं है जात से है पैदाशील हुए वस्तु से पैदा वस्तु पैदा हुआ है तो हम बोल में तब कहा जाएगा अनावस्था दोष अनावस्था दोष मतलब अब मान लो ए से एक जायमान वस्तु है बी एक जायमान वस्तु ए से बी की उत्पत्ति है ए कहाँ से आया बोलेगा ए आपका सी से आया मतलब डी से आया तो वो जायमान होना चाहिए तो कहाँ से आया फिर डी उसके पीछे एक जायमान तत्व मान लो क्या होगा अनावस्था दोष अनावस्था का मतलब मूल उच्छेद करी होते हैं अनावस्था दोष का मूल सिद्धांत ही रुखा है इसलिए बोलता है जाता च जायमानस्य यदि जन्म लिया हुआ वस्तु से कोई एक वस्तु का उत्पन्न हो रहा है जायमान से न व्यवस्था प्रसंग अनावस्था दोष आ जाएगा वहाँ पर है ना व्यवस्था के प्रसंग नहीं हो सकता है व्यवस्था न प्रसंग तो व्यवस्था नहीं हो सकता है एक नंबर टिप्पणी देखो उक्त दोषे सति एव दोषांतरम आह है ना पहला जो आप दोष दिए थे व्याघात दोष आदि जायमान को अज को जायमान कर दिया फिर कारण के धर्म कार्य में यदि दोष पहले दिए थे तो उसको साथ एक दोष और देना है ना उक्त दोषे सति एव जो दोष आपको दिया था वो तो है ही उसके साथ एक और दोष देख लो तुम्हारे पास में दोषांतरम आह न व्यवस्था प्रसिद्ध जाता यदि ऐसा मानोगे कि उत्पत्तिशील वस्तु से ही कोई उत्पत्तिशील वस्तु का उत्पन्न होता है तब क्या हो जाएगा अनावस्था दोष आ जाएगा इस प्रकार से प्रमाण नहीं होता प्रसंग प्रसंग आ जाएगा प्रसंग आ जाएगा सज्ज धातु है प्रवचन प्रसज्जत ऐसे प्रयोग उसका उसका प्रसंग आ जाएगा अच्छा अब देखिए यहाँ पे कि टीका में देखिए यदि अजात नित्यात वस्तुनो जायमानम अभ्युपगंतु न शक्यते तरी जाता देव जायमानम अभ्युपगम्यता इति आशंक्य अहम् आप बोल रहे जन्म रहित वस्तु से जन्म वाला वस्तु का उत्पन्न नहीं उत्पत्ति नहीं हो सकती जन्म रहित वस्तु से जन्म वाला कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती तब कोई जन्म वाला से कोई जन्म वाला होगा जैसे पिता का भी जन्म हो जैसे पुत्र का जन्म दोनों जन्म मृत्यु वाला है ऐसे मान लिया जाए ऐसे ही मान लिया जाए यदि ऐसा मानोगे यदि अजात नित्याद वस्तुन जायमानम अभ्युपगंतु न शक्यते है ना नित्य जन्म रहित वस्तु से कोई वस्तु उत्पन्न है ऐसा हम नहीं मान सकते हैं तब क्या करेंगे तरी तब जाता देव जायमानम अभ्युपगम्यता पैदा हुआ वस्तु से कोई दूसरा पैदा हुआ वस्तु उत्पन्न ऐसा मान लिया जाए ऐसा कुछ संकेत आशंका हो यदि ऐसा कहोगे ना तब क्या हो जाएगा अनावस्था दोष सृष्टि होना संभव ही नहीं है परमार्थिक सृष्टि होना परमार्थिक संभव ही नहीं है इसलिए बोलता है जाचा च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते तो यहाँ पे अब टीका में सांख्य समये दोषांतर प्रदर्शन परत्वं श्लोकस्य प्रतिजानीते सांख्य समय यहाँ पे सिद्धांत समय शब्द करते हैं क्या सिद्धांत सांख्य सिद्धांत राध्यांत समय कई शब्द पर्याप्त सांख्य समय दोषांतर प्रदर्शन पर एक दूसरा दोष को दिखाने के बोधक के रूप में श्लोकस्य प्रतिजानीते श्लोक आय मन रूप कार्य का लिखते हैं इसको प्रतिज्ञा करते हैं पहले सांख्य समय दोषांतर प्रदर्शन पर तब एक दूसरा दोष को समझाने के लिए एक दूसरा दोष आपके पक्ष में उसको समझाने के लिए श्लोक से श्लोक आया हुआ ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं भगवान दोषांतरम छह नंबर टिप्पणी
छह नंबर टिप्पणी दोषांतरम दृष्टांत अभाव। यहाँ पे क्या दोष हो जाएगा? अनुमान के द्वारा कोई वस्तु का सिद्ध करना चाहते हो बंदा के पक्ष में कोई दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत तो अभाव रूपी एक दोष और आ जाएगा आपके पक्ष में। इसलिए वेदांति लोग ब्रह्म किस प्रतिष्ठा पर है? अनुमान से नहीं ना, श्रुति श्रुति प्रमाण के आधार पर। यहाँ पे श्रुति प्रमाण नहीं है किसकी? सांख्यवादी के पक्ष में प्रधान के लिए कोई श्रुति प्रधान नहीं। प्रकृति शब्द तो आया हुआ है परंतु वो स्वतंत्र जैसे उन लोगों ने माना ऐसा जो है कोई श्रुति वाक्य नहीं। हम लोग जो ब्रह्म को मानते हैं उसमें अनुमान नहीं है ना, वो श्रुति प्रमाण के आधार पर है। मुख्य वेद नहीं मानते, सांख्यवाद वेद नहीं मानते, सांख्यवादी क्या मानते? वेद। वेद मान आस्तिक दर्शन है, सांख्यवादी आस्तिक दर्शन, सांख्य दर्शन योग दर्शन आस्तिक दर्शन है। वेद को मानते हैं, अपने वाक्यों को पुष्ट करने के लिए वेद वाक्य को दिया हुआ है। सांख्यवादियों ने जिन जिन वैदिक शब्दों को अपने सिद्धांतों को पुष्ट करने के लाया है वो देखो ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में अनुमानिक अभिसरण अधिकरण सांख्य उपसंख्य अधिकरण चमसाधिकरण इन तीन अधिकरणों में सांख्यवादियों ने जिस वेद वाक्य को लेकर के उसका अपनी पक्ष को पुष्ट करना चाहा उस वाक्य की वो अर्थ नहीं है। पहले वो प्राइमरी लॉजिक है, सेकेंडरी वेद है। हमारे यहाँ प्राइमरी वेद है। इस प्रकार उनके एक बात श्रुति बात करते हैं पंच जस्मिन पंच पंच जन आकाश प्रतिष्ठित ऐसा बात आया है। सांख्यवादी इस वाक्य को देखो हमारी 25 तत्व को वेद में कहा है, कैसे कहा? जिसमें पांच पांच की पांच ग्रुप विद्यमान रहता है और आकाश भी जिसमें प्रतिष्ठित है। तो अब बताओ भाष्यकार बोलते हैं सूत्रकार बोलते हैं यहाँ पे 25 तत्व कहाँ कहा गया, यहाँ पे तो 27 तत्व कहा गया। निर्विशेष तत्व में जिस निर्विशेष तत्व में पंच महाभूत से पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत जो भी भौतिक भूत हो वो और इसके पीछे जो अव्यक्त ईश्वर वो भी जिसमें प्रतिष्ठित जिस अधिष्ठान के ऊपर भूत भौतिक और भूत भौतिक को बनाने वाला ईश्वर भी जिसमें प्रतिष्ठित है। ईश्वर तक हम वहाँ पे जो है उसको पर आधारित है, ऐसा निर्विशेष को पर आधारित है ऐसा मानते हैं। इसीलिए सांख्यवादियों ने ये कठोपनिषद की आत्मानम रचिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु बुद्धि तु सारथम विद्धि मनोप्रज्ञ यहाँ पे जो छह तत्व के यहाँ पे कहा गया और यहाँ पे जो शरीर और अव्यक्त शरीर को लेकर के सांख्य जो प्रधानवादी को लेकर के बोलते हैं तो भगवान भाष्यकर वहाँ पे समझा रहे वैद्य दिवत्या देखो जैसा जैसा जिस छह तत्व को लेकर के उपक्रम किया गया है उपसंहार में भी वही छह तत्व आना चाहिए। शब्द भिन्न होने पर भी यदि एक शब्द भिन्नता है तो उस शब्द भिन्न के द्वारा वही लक्षित होता है, क्योंकि जैसा उपक्रम करता है ऐसा उपसंहार होता है। ये नए हैं बहुत अच्छी तरह से वेदांत के प्रथम पाद प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में सांख्यवादी ने जिन जिन उपनिषद के शब्दों को लेकर के अपने पक्ष में लगाया वैष्णव जी ने बोला इसका ये अर्थ नहीं है इसका ये अर्थ है। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यदा पुनः कहाँ पे हैं सांख्य समय सांख्य सिद्धांत में दोषांतर प्रदर्शन पर दोषांतर मतलब तो आपके पक्ष में कोई दृष्टांत, क्योंकि आप अनुमान के द्वारा प्रधान को सिद्ध करना चाहते हैं परंतु कोई दृष्टांत नहीं दे सकते। इसलिए तो हम सीधा सीधा बोलते हैं हमारा ब्रह्म कोई प्रमाण ब्रह्म वस्तु है ही नहीं, एकमात्र श्रुति प्रमाण से जो जाना जाता है उतना ही है। अब हम भिन्न वाले पास कोई भावना को प्रत्यक्ष अनुमान का विषय होता ही नहीं है, वो श्रुति ने जैसा बोला बस उसी से जैसा हमको समझा वो आप बोलते हैं। इसलिए आप बोलते हैं कि दोषांतर प्रदर्शन परंतम श्लोक से श्लोक का उसमें दोषांतर दिखाने के लिए आया हुआ है उसको प्रतिज्ञा करते हैं। दोषांतर क्या है कि दृष्टांत तो अहम रूपी दोष है, अनुमान के द्वारा आप प्रधान को सिद्ध करना चाहते हो परंतु आपके पक्ष में दृष्टांत तो नहीं मिलता ये दोष है। यहाँ पे देखिए भाष्य माने किंच अन्नत भाष्यकार बोलते हैं देखो आपके पक्ष में एक दोष और है किंच अन्नत मोर फॉर दैट इज वन मोर फॉर इन योर लॉजिक और इन योर स्टेटमेंट उसमें एक लॉजिक है अजात अनुत्पन्नात नित्य जन्म रहित जो उत्पन्न अजात मतलब जो जन्म रहित है और नित्य दो वस्तु नित्य इस प्रकार वस्तु न जायते इस प्रकार वस्तु से उत्पन्न होता है जस वादी न जिस वादियों का मन में क्या उत्पन्न होता है कार्य ठीक है ना अजात अनुत्पन्नात नित्यात वस्तु न कार्य जायते जस वादी न जिस वादी की मत में
दृष्टांत तस्य नास्ति, वही निश्चित उसके पक्ष में कोई दृष्टांत नहीं है। उसका पंक्ति के पंक्ति पहले उपाय है अजात, अजात पंचमी है ना, अजात शब्द का अर्थ क्या है, अनुत्पन्न, अनुत्पन्न मतलब नित्य, इसको नित्य है, इस नित्य वस्तु न, वस्तु में कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए, पंचमी एक वचन बिल्कुल, अब वस्तु से कार्य जस जायते, जिस वादी के मत में कार्य उत्पन्न होता है उसकी तस्य वादी न दृष्टांत नास्ति, वही उस वादी के पक्ष में कोई दृष्टांत नहीं है, वही कब होगा एवं मतलब अवधारणार्थ में निश्चित उसको कोई दृष्टांत नहीं दे सकते। आज यदि दृष्टांत के अभाव है, दृष्टांत अभावे अर्थात अजात न किंचित जायते, जब आपने सिद्धांत को समझाने के लिए आपको दृष्टांत तो नहीं दे पाए तब कहा जाएगा कि जन्म रहित तत्व से कोई तत्व की उत्पत्ति होते आप नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। दृष्टांत अभावे अर्थात आर्थिक अर्थ से कह देगा अजात न किंचित जायते, जन्म रहित तत्व से सब वस्तु की उत्पत्ति है जो आपकी सिद्धांत है ये होना संभव नहीं, इति सिद्धम भवति, ये सिद्ध हो जाता है। तो दो नंबर टिप्पणी में देखिए, दो नंबर टिप्पणी अर्थात ठीक है ना, ननु अजात न किंचित जायते इति न प्रमाणम दृष्टांतादि अभावस्य समत्वादिति आशंका, अर्थात शंका करने वाले बोलते हैं अजात न किंचित जायते इति न प्रमाणम दृष्टांतादि अभावस्य समत्व, तुम्हारे पक्ष में भी जैसा दृष्टांत नहीं है हमारे पक्ष में दृष्टांत नहीं है, आप आत्मा को समझाने के लिए क्या दृष्टांत देते हो, कोई दृष्टांत तो क्या देते हो, आत्मा नित्य है आप तो है, फिर कैसे बोलेंगे, तब हम बोलेंगे व्यतिरेक न घटवत, हम व्यतिरेक दृष्टांत देते हैं और अन्वय दृष्टांत है ही नहीं हमारे पास, कोई हमारे पास कोई हम मानते हैं इसको, हम मानते इसको तो उनके पक्ष में तो वो भी नहीं है कि वो तो सबको जगह मान लिया, हम तो आत्मा किसी लिहाज पे बोलते हैं कि ननु अजात न किंचित जायते इति न प्रमाण, इस प्रकार से ये प्रमाण आपका वाक्य प्रामाणिक नहीं है कि दृष्टांतादि अभावस्य समत्व, दृष्टांत का तुम्हारे पक्ष में भी तो ऐसे ही है, इति आशंका अर्थात आपके आर्थिक अर्थ से ये समझ में आता है अजात जायते इति अत्र दृष्टांत अभाव अनुपलब्धे, ये बोलते हैं कि अजात से अजात जायते मतलब जन्म रहित तत्व से कोई वस्तु की उत्पत्ति इस विषय में दृष्टांत अभाव, इस विषय में दृष्टांत नहीं है ये युक्ति संगत नहीं है, हमारे पास दृष्टांत है, क्या बोलेंगे हम व्यतिरिक दृष्टांत, उनके पक्ष में व्यतिरिक दृष्टांत भी नहीं, व्यतिरिक दृष्टांत मतलब आपका का माफी का और कोई वस्तु नहीं है, तो आपको सामान्य वस्तु में जो धर्म दिखाई दे रहा है ये धर्म वहाँ पे नहीं है, ये लोग ये दृष्टांत नहीं, ये लोग दो तत्व माना ना, वो पुरुष को भी एक तत्व मान लिया, पुरुष भी कोई शास्त्र को मानते जो पूर्ण है वो नहीं माना, क्योंकि शास्त्र एकमेव अद्वितीयम बोलते हैं और वो पुरुष अनेक मान लिया, यह भी गड़बड़ हो गया मामला, इसीलिए आप बोलते हैं कि ये दोष आपका जो है आपके पक्ष में, अर्थात अजात न किंचित जायते, इस आर्थिक अर्थ से ये सिद्ध होता है कि जन्म रहित तत्व से कोई तत्व की उत्पत्ति होना संभव ही सिद्ध भवति, सिद्ध हो जाता है। आप यदि बोलोगे जाता जदा पुनर्जाता जाए मनुष्य, यदि कहो मैंने अज से नहीं होता है, कोई जन्म लिया इस प्रकार वस्तु से ही उत्पन्न होता है, ये हमारे यहाँ से आकाश एक उत्पत्तिशील वस्तु माना, फिर आकाश से वायु, आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म भाव वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार हमारे यहाँ पे क्या है कि उत्पत्ति से, हाँ बोले तो आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहाँ से आया आकाश, जन्म रहित से कि जन्म वाला से, जन्म रहे तब तो तुम्हारे सिद्धांत भी गड़बड़ हो जाएगा, बोलते हमारे तुम्हारा जैसा पारमार्थिक जन्म मानते हो हमेशा पारमार्थिक जन्म नहीं मानते, जिस प्रकार रज्जु के ऊपर सर्प को उत्पत्ति करने के लिए हमें कोई उपादान आदि कुछ नहीं चाहिए, बस कल्पना मात्र है, ये भिन्नता है, ये भिन्नता है, ईश्वर की कल्पना है सृष्टि, सृष्टि ईश्वर की कल्पना, भगवान क्योंकि तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव है ना, एक हम भूषण प्रजा इंद्र माया भी पुरु रूप, ये पहले पंक्ति पहले आता है, इंद्र माया भी पुरु रूप अभीयते, इंद्र अपनी माया शक्ति से अनेक रूप को धारण किया, कैसे धारण किया, तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, पूर्व कल्प में अपनी महाविभूति को जो देखा था उसको फिर दोबारा देखने की इच्छा से अपने आप अपने को अनेक रूप में कल्पित हृदय हृदय कल्पित अंग में एक व्यक्ति बैठ करके कल्पना करता है, ऐसे ईश्वर कल्पना करता है, ये हमारे सिद्धांत, ये हमारे मुख्य सिद्धांत यही है, इसलिए आप बोलते हैं आप
जातम जायमाना जता पुनर् जातात जायमाना से इस पक्ष में उत्पत्तिशील वस्तु से कोई वस्तु उत्पन्न हो रहा है ऐसा देखा जाए जायमाना से वस्तु ने अभ्युपम वस्तु के अभ्यु को मानते हो तदपि अन्नस्मात जाता तब क्या हो जाएगा यदि मान लो बी नामक वस्तु से सी की उत्पत्ति हुई सी नामक वस्तु से बी की मतलब तब बी नामक वस्तु की उत्पत्ति के लिए यदि ए चाहिए वो भी कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होगा पूर्वार्थ अक्षराणि मतलब सांख्यवादी के पक्ष में एक अन्य दोष आने जा रहा है मतलब या तो दृष्टांत के अभाव अथवा अनवस्था दोष या तो दृष्टांत के अभाव अथवा अनवस्था दोष ये दोष आपके पक्ष में मान नहीं पड़ेगा इस सिद्धांत कौन सा ये पूर्वार्थ अक्षराणी जो जो पूर्वार्थ पूर्व श्लोक के आधा पहले आधा भाग में आए हुए अक्षरों को अन्वय करके दिखाते हैं अजात अजात कुछ कहाँ पे प्रतीक कारिका में नहीं ये जो है किंच अन्न के बाद जो अजात अजात अनुत्पन्नात् नित्यात् वस्तुना जायते यस्यवादिन कार्यम दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै दृष्टान्त अभावे अर्थात अजात न किंचित् जायते इति सिद्धं भवति इति अर्थ अच्छा अब यहाँ पे दृष्टिका में आ जाइए फिर दृष्टान्त अभावे अपि प्रमाणांतरा अर्थापत्तिर भविष्यति इति आशंका आह ठीक है ना ठीक है दृष्टांत तो नहीं है कोई बात नहीं अब अन्य प्रमाण से जान लेंगे परंतु तुमने अपने सिद्धांतों में वो क्या बोला यदि जगत सारा जगत त्रिगुणात्मिका दिखाई पड़ते हैं इसलिए इसका कोई कारण भी त्रिगुणात्मिका होना चाहिए सारा जगत क्या दिखाई पड़ते हैं त्रिगुणात्मक इसलिए इसका जो कारण वो कोई त्रिगुणात्मक होना चाहिए इस प्रकार से प्रमाण को सिद्ध करते हैं इस प्रमाण तब इसे बोलते हैं हम ठीक है हमारे पास जो है प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है हम अर्थापत्ति क्योंकि यदि कारण त्रिगुणात्मिका नहीं होती तो जगत भी त्रिगुणात्मिका नहीं होती है ना जिसको ना यदि वो रात में नहीं खाया होता रात्रि भोजन बिना पीना तम अनुभव बनना तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति बिना त्रिगुणात्मिका जगत अनुभव बनना इस प्रकार से अर्थापत्ति के द्वारा सिद्ध करेंगे एक छोटा शब्द लिख देते हैं मैं वहाँ पर आपको विचारपूर्वक में क्या कहना चाहते समझ नहीं आपको दृष्टांत तो अभाव या ठीक है हमारे पक्ष में दृष्टांत तो नहीं है कोई बात नहीं परंतु प्रमाणांतरा दूसरे प्रमाण का अर्थापत्ति प्रमाण का आधार पर क्योंकि त्रिगुणात्मिका जगत दिखाई पड़ते हैं तो हम जानते हैं कि कारण के गुण कार्य में आता है कार्य त्रिगुणात्मिका दिखाई पड़ इसलिए कोई कारण त्रिगुणात्मिका होना चाहिए ये हम लोग वेदांतवादी मानते हैं परंतु वो प्रधान को स्वतंत्र सत्य का कारण अनित्य है कारण जो है हमारे उनके सिद्धांत के अनुसार वो कारण को परिणामी नित्य माना हम लोग है जो है जो माया को हम तो नित्य मानते नहीं है माया के कारण ब्रह्म से तो उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है माया का प्रकृति जो हम बोलते बोला नहीं प्रकृति हम भी मानते हैं त्रिगुणात्मक प्रकृति हम भी मानते हैं प्रकृति वो ईश्वर के अधीन होकर करके काम करते हैं और वो स्वतंत्र प्रकृति मानते हैं ईश्वर को नहीं मानते कारण अगर नित्य है तो त्रिगुणात्मिका कैसे इसीलिए तो वो हम ब्रह्म में कोई कारण वहाँ पे तो गुण है ही नहीं इसलिए वो नित्य वस्तु हो सकता माया को हम नित्य मानते ही नहीं है परंतु उस उनकी सिद्धांत जो आप बोल रहे हैं उनकी सिद्धांत भी गलती है यदि वो त्रिगुणात्मिक है वो मतलब सावयव वस्तु है परिणामी वस्तु नित्य कैसे हो सकता है यही चीज तो यही फंडामेंटल कंसेप्ट यही प्रधान उसको बार बार बोलते ही मैं तुम गलती कर गया इसलिए बोलते हैं कि दृष्टांत तो अभाव या फिर दृष्टांत के अभाव होने पर भी प्रमाणांतरा दूसरे प्रमाण को कौन अर्थापत्ति अर्थापत्ति प्रमाण के और त्रिगुणात्मिका जगत दिखाई देता है त्रिगुणात्मिका कारण के बिना त्रिगुणात्मिक जगत होना युक्ति संगत नहीं है ये अर्थापत्ति प्रमाण है ये अर्थापत्ति रात्रि भोजन बिना पीनत्तम अनुपन्न मतलब एक व्यक्ति आपको कभी उसको खाते हुए नहीं देखा परंतु शस्त्रिष्ट पुष्ट वरिष्ठ तो आप क्या करते हैं युक्ति लगाते हैं जरूर हमारे अवर्तमान में रात में खाता हो हमको दिखाई खाते हुए नहीं दिखाई देते इस प्रकार प्रधान नहीं दिखाई दे रहे परंतु त्रिगुणात्मक कार्य दिखाई पड़ रहा है तो इस त्रिगुणात्मक कार्य को देख करके तो इसका जो कारण होगा वो त्रिगुणात्मक होगा ये शांखों का प्रधान को प्रमाणित करने के लिए अर्थावर्ती भवन
अर्थापत्र को मान्य किया। तो यहाँ पे बोलते हैं दृष्टान्त तो अभाव अभी प्रमाणांतर अर्थापत्ति भविष्य प्रमाणांतर अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा इति आशंका आह। देखो भाई उभयवादी सम्मत को दृष्टान्त तो दिए बिना आप जो है अपने अनुमान के द्वारा कोई वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते। सात नंबर टिप्पणी में देखिए दृष्टान्त तो अभावे तद अभाव अनुमान असंभव इति अर्थ मतलब दृष्टान्त के अभाव से अनुमान समझ में नहीं आएगा क्योंकि महानस को यदि दृष्टान्त तो नहीं देंगे तो धुआं को देख के अग्नि का अनुमान आप नहीं कर सकते हैं, है ना। धुआं को देख करके आप अग्नि का अनुमान करते हैं, हरियाली को देख करके आप पानी का अनुमान करते हैं, कोई बगीचा देख करके तभी जाके कोई एक दृष्टान्त के बगीचा आपके सामने होगा तब जा करके आप इसको कह सकते हैं, है कि नहीं। देखो कैलाश आश्रम के बगीचा के समान उस पहाड़ के ऊपर हरी घास दिखाई पड़ रही है कि वहाँ पे पानी होगा, क्यों हम देखा जहाँ पे पानी होते हैं वहाँ पे हरी घास होती है, व्यक्ति है हमारे पास। ठीक इसी प्रकार महानस में वहाँ पे जाकर के हमने धुआं देखा गया तो वहाँ पर आँख प्राप्त हुआ तो अभी पहाड़ में धुआं दिखाई दे रहे इसलिए यहाँ पे आग होना चाहिए। इसलिए दृष्टांतों के आधार पर ही आप अनुमान कर सकते हैं, अनुमान और वो भी उभयवादी सम्बद्ध दृष्टांत चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि दृष्टान्त अभाव तत् अभाव अनुमान असंभव दृष्टान्त अभाव दृष्टान्त अभाव अनुमान असंभव अनुमान संभव नहीं है। दृष्टान्त अभाव प्रमाणांत सिद्ध हो जाएगा आप नहीं कह सकते। दृष्टान्त अभाव अर्थात अजाता इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, जन्म रहित वस्तु से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जन्म रहित वस्तु से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप देखो आत्मा में अजत्य है, शरीर में अजत्य नहीं है, तो जो भी कुछ उत्पत्ति दिखाई देते शरीर से दिखाई देता है, आत्मा से नहीं उत्पत्ति होता है। आत्मा की विद्यमानता के कारण जड़ में चेतन जैसे व्यवहार होता है, मतलब क्रिया आत्मा में कुछ नहीं है, क्रिया में कुछ भी नहीं है। ये मुख्य सिद्धांत है दृष्टान्त अभाव अर्थात परस्टिका में फिर परस्य खलु अनुमान अधीनम अर्थ परिज्ञान ये सिद्ध। देखिए टीका का लिख दिया, क्या लिख दिया कि सांख्यवादी के मत में प्रधान को अनुमान के द्वारा ही सिद्ध करते हैं, प्रधान को अनुमान के द्वारा ही सिद्ध करते हैं। परस खलु मतलब निश्चित ही सांख्यवादी का अनुमान अधीन, अनुमान के अधीन होकर के अर्थ परिज्ञान होता है, प्रधान की सिद्ध होते हैं, प्रधान के ज्ञान होता है, ऐसा उनके उसके सिद्धांत। अब इस अवस्था में दृष्टांत तो नहीं दे सकता, अब जब दृष्टांत तो नहीं दे सकोगे तो तुम्हारा वस्तु कैसे सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध होगा। आठ नंबर नौ नंबर टिप्पणी देखिए, आठ नंबर तन मते प्रमाणांतर तद विषय नास्ति इति आशय, उनके मत में प्रमाणांतर के विषय आपने अनुमान के द्वारा सिद्ध किए, तन मते मतलब सांख्य मते प्रमाणांतर दुष्ट भी प्रमाण तद विषय मतलब प्रधान को विषय करने वाला नास्ति है ही नहीं, तुमने अनुमान से माना उसको इति आशय न हर्ष को मन में रखते हुआ कहते हैं परस सांख्यवादी मत अर्थ परिज्ञानम मतलब विषय की ज्ञान होता है अनुमान से, कौन प्रधान नामक विषय की ज्ञान अनुमान से होता है। कारणीभूत प्रधानादि रूप मूल जगत के मूल कारण के रूप में जो प्रधान को कहा गया तो कारणीभूत प्रधानादि रूप अर्थ, यहाँ पे अर्थ परिज्ञान अर्थ मतलब क्या हो जाएगा विषय, विषय क्या है जो प्रधान जगत के कारण के रूप में प्रधान तो हो गया अर्थ, उसका परिज्ञान अच्छा मतलब उसको प्रधान की बोध कैसे होता है अनुमान से होता है, ऐसा तुम्हारी मान्यता है। इसलिए होता है कारणीभूत प्रधानादि रूप अर्थ तस्य च प्रत्यक्ष अभाव, प्रधान को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। कार्य निम्न का अनुमान अधीन अधीन ज्ञान तब इसलिए कार्य रूपी चिन्ह को देख करके अनुमान कार्य लिंग मतलब एक होता है कारण लिंग एक होता है कार्य लिंग। जिस प्रकार देखिए कि बादल को देख करके बादल रूपी कारण को देख करके आगे बारिश होने वाला है ये हो गया आपका कारण देख करके कार्य का अनुमान करें। अब कार्य देख करके कारण का अनुमान करते हैं, गंगा जी का पानी यहाँ पे गंदा बहता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर से आज जो है डैम के पानी छोड़ दिया अनुमान करते हैं, देखा नहीं आपने। तो कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। अब यहाँ पे प्रकृति के रूप से कार्य दिखाई पड़ रहा है, इस कार्य को देख करके इसके कारण का अनुमान करते हैं, इसीलिए होता है कार्य लिंग का अनुमान, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष माने नहीं तो क्या नहीं हो हमें देखा नहीं, परंतु हमारे यहाँ पे बार बार व्यक्ति देख करके जब आप एक बार अनाउंस भी करते हैं जब पानी छोड़ा जाएगा आप लोग गंगा तट में नहीं जाना, फिर बाद में देखते काल अपने हाँ अभी बैरेज छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ किसी प्रकार से अर्थ परिज्ञान कारणीभूत प्रधानादि रूप कारण रूप जो प्रधान आदि है प्रधान वाता महत्व हम तत्व अनुमान से जानते हैं। अर्थ तस्य च प्रत्यक्ष भाव उसके जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, तो कैसे जानते हैं कार्य लिंगक अनुमान अधीन ज्ञानतम
कार्य रूपी चिन्ह को देख कर कार्यलिंग चिन्ह होता चिन्ह कार्यलिंग कार्यलिंग वाला अनुमान कार्य को देख कर कारण का अनुमान करते हैं। धुआं को देख कर अग्नि का अनुमान करते हैं कार्यलिंग का अनुमान। धुआं को देख करके अग्नि का अनुमान करना कार्यलिंग का अनुमान है। मतलब अग्नि के कार्य धुआं है वहां देख करके अपने अग्नि का अनुमान किया। इसी प्रकार अपने जगत कार्य को देख करके उसके कारण को अपने अनुमान किया। अब अनुमान प्रमाण के द्वारा आप उसको जानते हैं। आप दृष्टांत नहीं देंगे तो कैसे वस्तु सिद्ध होगा, कैसे वस्तु सिद्ध होगा। यह अभिप्राय इतिहास इसका अभिप्राय करते हैं। टीका में फिर न दृष्टांत अभावे अनुमान अवकल्पते तस्मात न शंख समय संभवती। क्योंकि दृष्टांत के बिना आप अनुमान के द्वारा वस्तु को नहीं सिद्ध कर सकते। आप उभयपदी संबंध को दृष्टांत बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं न च दृष्टांत दृष्टांत अभावे अनुमान न अवकल्पति। ठीक है, न का भी यहाँ नहीं होगा। दृष्टांत के बिना अनुमान के द्वारा वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता। तस्मात न शंख समय, इसलिए शंख सिद्धांत तो होना संभव नहीं है। इति अर्थ ही इसका अभिप्रेत अर्थ है इसका। अब है यदि आप जाता से मानोगे, जन्म हुआ वस्तु से जन्म हुआ वस्तु की उत्पत्ति है, तब क्या होगा अनावस्था दोष। कहीं ना कहीं आपको मानना ही पड़ेगा वस्तु। इसलिए द्वितीयार्थम व्याचष्ट श्लोक की द्वितीय आधा भाग को व्याख्या करते हैं। यदा पुनर्जाता जायमान वस्तु न अभ्युपगम तदापि अन्यस्मात् जाता तदपि अन्यस्मात् इति न व्यवस्था प्रसज्यते। ठीक है ना, इस प्रकार से अनवस्था दोष आ जाएगा। यदि जन्म से जन्म वाला वस्तु से एक जन्म वाला वस्तु की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, जैसा पुत्र को उत्पन्न पिता से होता है, पिता की उत्पन्न पितामह से होता है, पितामह को उत्पन्न पितामह से होता है, इसी प्रकार से जो क्रम चल रहा है आपको कोई जाते तो आपको जो है यदि एक जगह पर नहीं रोक पाओगे तब आपको क्या मानना पड़ेगा अनवस्था दोष। अनवस्था दोष इसलिए बोलते हैं यदा पुनर् जाता जायमान वस्तु न अभ्युपगम तदपि अन्यस्मात् जाता तदपि अन्यस्मात् इति न व्यवस्था अनवस्था इत्यादि की बात। इस प्रकार से शांखुवादी मैंने अधिक लंबा विचार नहीं किया, छोटा मोटा जो दोष सामने स्पष्ट दिखाई देता सिद्धांत में उसको दिखा करके शांखुवादी को छोड़ दिया। अब बोलते क्योंकि परस्पर लड़ते हैं ना, उन्होंने भी मखदा सा खड़ा हो गया कि बिल्कुल सही बोला, शांखु सिद्धांत सही नहीं है, हमारे सिद्धांत सही है। कर्म के सिद्धांत में चलो, कर्म से सृष्टि होती है, कर्म से जगत चलती है, इसलिए और कर्म से संघात होते हैं, फिर संघात से कर्म करते हैं, बस इसको इसी प्रकार कर्म और धर्म, कर्म और धर्म इसके द्वारा संसिष्टि चलता रहता है, सृष्टि से होती नहीं तो ये मानना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार पूर्व विभाग सदस्य ना के खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे वैशेषिक को ये नहीं करेंगे, न्याय वैशेषिक को करेंगे आगे, अब इसी का आधार पर ही उसमें सिद्ध हो जाएगा उसको। अच्छा, अब जो है यहाँ पे पूर्व विभाग सदस्य बोलते हैं देखिए द्वैतवादी भी अनन्य पक्ष प्रतिक्षेप मुखेन ख्यापितम वस्तुन अजन्नतम अद्वैतवादिना अभ्यनुज्ञातम इदानीं द्वैत निरसनम अपि श्रौतम विद्वत अनुभव अनुसारित्वा तेन अभ्यनुज्ञातम एव इति आह। क्या सुनते द्वैतवादी भी द्वैतवादियों के द्वारा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तुम्हारे सिद्धांत सही नहीं है, तुम्हारे सिद्धांत सही नहीं है। इसलिए द्वैतवादी भी अन्योन्य एक दूसरे को पक्ष प्रतिक्षेप मुखेन एक दूसरे को खंडन करते हैं, अपने पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष को खंडन करते हैं। मुखेन ख्यापितम वस्तुन अजन्नतम, क्या ख्यापित हुआ तैषार्थन्नम विवाद विवदाम अभिवाद निबोधत स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतेन निश्चितं निरं परस्परं विरुद्धन्ते तैरयम् न विरुद्धते। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतेन निश्चितं निरं, अपना सिद्धांत को व्यवस्थित करने के लिए द्वैतवाद निश्चित है, परस्परं विरुद्धन्ते आपस में विरोध करते हैं, तैरयम् न विरुद्धते उसके साथ हमारा विरोध नहीं, क्यों हम तो सबका अंदर आत्मा हुआ बैठा हुआ है। इसे बोलते हैं द्वैतवादी भी अन्योन्य पक्ष प्रतिक्षेप मुखेन ख्यापितम, क्या उसमें अभिव्यक्त तो क्या हुआ वस्तुन अजन्नतम मतलब पारमार्थिक जो है सृष्टि होना संभव अजन्नतम अद्वैतवादी ना अभ्यनुज्ञातम। वो भी मैं बोला था पर अभिवादो निबोधत मतलब दोनों वादियों में किस जगह का आकर के एक ही चीज बोलते हैं, अरे भाई सत्य उत्पन्न नहीं हो सकता, अरे भाई असत्य उत्पन्न, हाँ ठीक बोल रहे, मतलब उत्पत्ति नहीं हो सकती, यही जगह पे हमने यही बोलते हैं कि अजन्नतम अद्वैतवादिना अभ्यनुज्ञात मतलब सृष्टि होना संभव नहीं है, अद्वैतवादी को द्वारा इसको सम्मत मान लिया गया, अद्वैत मान लिया अभ्यनुगत मतलब दो नंबर टिप्पणी स्वीकृत
स्वीकार किया गया है। अच्छा भाई अभिधान क्या इदानीम द्वैत, इदानीम द्वैत निरसनम अपि, ये जो द्वैत प्रपंच की हम निराकरण करते ये भी स्रौतम वित्त अनुभव अनुसारित्व, ये जो द्वैत प्रपंच का हम निषेध करता है ये हमारी मनोकल्पित बात नहीं है, इसकी है श्रुति सम्मत बात और विद्वान ने ऐसा अनुभव किया है ना। विद्वान सभी सामान्य व्यक्ति का अनुभव नहीं होता तो द्वैत देखेगा, इसलिए बोलते हैं स्रौतम वित्त अनुभव अनुसारित्व, श्रुति सम्मत और विद्वान के अनुभव का अनुसार होने के कारण तेना अभ्यनुज्ञात भव, इसलिए ये जो है सृष्टि होना पारमार्थिक संभव नहीं है, इस स्तुति के भी वाक अनुसारी है और विद्वत अनुभव का अनुसारी है एव इति आवश्यक मन में रखते हुए बोलते हैं कि आगे श्लोक में जाएंगे। तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़े श्रोतमिति युक्ति सिद्धम अभ्यनुज्ञात श्रुति सिद्धम अपि अनुमोदते, युक्ति के द्वारा जो सिद्ध हुआ वो हमने मान लिया, जैसे तो उन्होंने बोला कि सृष्टि होना संभव नहीं वो हमने अभ्यन कर दिया, हमने मन उसमें अनुमति दे दी और हमारा मान्यता है और इस पक्ष में श्रुति वाक्य भी हमने दिखाया, ये हमने संक्षिप्त बोलते हैं श्रुति सिद्ध में अनुमोदन है और ये श्रुति सिद्ध भी है ऐसा अनुमोदन किया जाता है। इतिहास युक्ति सिद्धम अभ्यनुज्ञात, युक्ति के द्वारा जो सिद्ध हुआ है उसको हमने माना और श्रुति सिद्धम अपि, श्रुति के द्वारा भी जो सिद्ध होता है उसका अनुमोदन करते हैं, ये हम ये युक्ति सिद्ध तो अपनी बुद्धि की बात है इसलिए हमने माना और श्रुति वाक्य जाए उसका मन हुआ हर श्रुति ने सही बोले यही होना संभव है। इति अर्थ है, इसका विपरीत अर्थ है। अब देखिए इसमें आ जाइए प्रति कहाँ का हेतु, हेतु रादि फलम ईशा, हेतु रादि फलम ईशा मादिर हेतु फलस्य च, मादिर हेतु फलस्य च हेतो फलस्य चानादिः, हेतो फलस्य चानादिः कथम तैरुपवर्ण्यते, कथम तैरुपवर्ण्यते हेतो रादि फलम् एषा मादिर्हेतु फलस्य च, हेतो फलस्य चानादि कथं तैरुपवर्ण्यते हेतोः, कौन सा भी होता हाँ षष्ठी एक वचन, हेतु का कारण क्या है फल, हेतु का कारण क्या है फल, मतलब जिस फल को उत्पन्न करने के लिए जो हेतु है उस हेतु का भी कारण को होगा वही फल ही कारण है। शब्द प्रयोग इतना सुंदर किया कि आप जो है अब हेतु मतलब क्या हो गया धर्मा धर्मादि, धर्मा धर्मादि का फल क्या है शरीर और शरीर ही क्या होता है धर्म धर्मादि के हेतु बन जाता है कि नहीं, धर्म धर्म से शरीर बनता है और वो शरीर क्या होता है धर्म धर्म के हेतु बनता है, इसलिए यहाँ पे एक ही श्लोक में कितना शब्द दिया हेतु और हेतु का आदि मतलब कारण, मतलब किसी हेतु का मतलब धर्म धर्मादि उसका जो कारण क्या है उसका फल, फलम जिसकी मत में धर्म धर्मादि का फल जो शरीर है वही जो है उस हेतु के लिए कारण बनता है फलम, ये समझे आदि हेतु फलस्य च और फल का हेतु कौन है फलस्य हेतु, यहाँ पे एक जगह पे षष्ठी एक जगह पे प्रथमा, पहले में हेतु में षष्ठी फल में प्रथमा, यहाँ पे फल में षष्ठी हेतु में प्रथमा, इसका ये कारण इसका ये कारण ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं आदि फलस्य आदि हेतु और फल का आदि मतलब कारण है क्या हेतु, फल का कारण है हेतु और हेतु का कारण है फल, फर्स्ट लाइन जो है हेतु राद फलम हेतु का कारण फल, हेतु का कारण हो गया फल और फल का कारण हो गया हेतु, हेतु का कारण हो गया फल और फल का कारण हो गया हेतु, इसका मतलब क्या हो गया हेतु हो गया पिता पुत्र उसका फल है, अब क्या हो जाएगा पुत्र पिता के लिए भी है कारण बन जाएगा एक जगह में ऐसे एक घर में एक माता और पुत्र आपस में जो है ऐसे ही मजाक में, तो माँ बोलते हैं तो मैं पहना, पुत्र बोलते मैं पहना, कितने महान का कौन सी वहाँ पर क्या बात है क्यों आपस में बोलते देखो पुत्र बोलता है कि मैं पहन लू, माँ बोलता है बताओ तो माँ पहन कि पुत्र पहन लिया, माँ ने बोला एक साथ नहीं
दोनों से आप नहीं है, माँ बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, ये स्त्री पिंड पहले है, माँ पहले नहीं है, पुत्र उत्पन्न के बाद माँ होता है, स्त्री पिंड पहले है, इसमें कोई शंका नहीं है, स्त्री पिंड पहले है, मंतु पुत्र उत्पन्न होने के बाद मातृत्व आता है। इसलिए अब दोनों की बात ही जो सही है, कुछ अब ये नहीं कह सकते। यहाँ पे जो हेतुर आदि फलम, जैसा हेतु हो गया धर्म अधर्म, मतलब वो हो गया हेतु का, हेतु का जो कारण है वो है फल, और फल का जो कारण है वो है हेतु। आप हेतु से लेना धर्म अधर्म आदि, और फल से लेना लेना पिंड, पिंड मीन्स शरीर, शरीर कार्यकरण संघात, पिंड में फल, धर्म अधर्म आदि से कार्यकरण संघात, और कार्यकरण संघात से धर्म अधर्म, ठीक है ना। धर्म अधर्म आदि के लिए कार्यक्रम संघात प्राप्त होता है, संघात से धर्म अधर्म आदि होते हैं। इसलिए बोलता है हेतु आदि फलम, जैसे हम आदि हेतु फल सच, है ना, फल का जो कारण क्या है हेतु। इस प्रकार से अब दोनों की आप क्या हो गया, हेतु से फल की उत्पत्ति हो रही, फल से हेतु की उत्पत्ति हो रहा है, तो दोनों आदिमान हो गया। अब दोनों अनादि बोलते हो तो ये कैसी बात है, अब अनादि बोलते हो ये कैसी बात है। इसीलिए बोलते हैं हेतु फलस्य च अनादि कथम ते रूपवर्ण थे, ये पूर्व विवक्ष दर्शन को लेकर बोलते हैं। अब दोनों को अनादि मानते हैं, दोनों का आदि सामने दिखाई दे रहा है, संघात की संघात की उत्पत्ति दिखाई पड़ रहा है। अब दोनों को अनादि मानते हैं, तभी तो जगत सृष्टि चलता है, अनादि मानते हैं। वो तो डर गया, वो तो जगत को, जगत को जो उत्पत्ति नहीं मानते हैं, क्योंकि वेद अपौरुष है, वेद अपौरुष है, जब सृष्टि की संभव हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वेद की अपौरुषता की हानि हो जाएगी, क्योंकि वो वेद को शब्द राशि मानते हैं, और वेदांती वेद को ज्ञान मानते हैं, ज्ञान की नाश नहीं होती। वेद पूर्वोत्मक्ष दर्शन वेद को शब्द राशि मानते हैं, और यदि वेद की मतलब जगत की उत्पत्ति हो जाए तो शब्द राशि की उत्पत्ति हो गया तो अपौरुष कहानी हो जाएगी। और वेदांती क्या बोलते हैं कि ये जो है वेद अपौरुषीय तो शब्द राशि से नहीं है, ज्ञान रूप में अपौरुषीय है, मतलब ये ज्ञान पूरा सृष्टि की ज्ञान परमात्मा में बीज रूप में गाया जाता है, और परमात्मा से अभिव्यक्त होकर का समाप्त भूतस्य निश्चेषितम यदिदम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराण आदि वेदांत को उपनिषद की बात करें, यही जो परमात्मा की जिस प्रकार आपको सांस प्रश्वास लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही होते रहते, इसी प्रकार ये ऋग्वेद यजुर्वेद परमात्मा से अपने आप निकल कर हेतु को भी और फल का भी, दोनों का, यहाँ भी हेतु का फल का दोनों का अनादि वो कैसे कह सकते हैं, जब सामने दिखाई दे रहा है पिंड उत्पत्ति हो रहा है, और पिंड से का धर्म धर्म उत्पत्ति, दोनों का अनादि कैसे कह सकते हैं, ये भी व्याघात पूछ, ठीक है, नहीं पे रखेंगे समय हो गया। एक मंडू को कार्य कर खूब लॉजिक सिखाएंगे आपको इस चूड़ा प्रज्ञा वैशाख वेद शुभ जननी है वेदनामनवदर्शन भूतान्यालोक्यमज्ञान्यविरतजननराहोरे समुद्रे दुर्लभं भूतहेतोर्यस्तं पूज्याविपूज्यं परमगुरुं पादपादैर्न तोष्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो नमः।